इस दुनिया में दारू सिर्फ तभी पी जाती है जब या तो बहुत ज़्यादा गम हो या बहुत ज़्यादा खुशी, लेकिन जब कोई इसे बेवजह पीता है तो उसे नशेड़ी कहते हैं। कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ना इसमें दारू है और ना ही पीना, फिर भी एक से एक नशेड़ी भड़े पड़े। वो बाद में क्या साबित हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये कहानी जहाँ से शुरू होती है तब जब भारत सरकार ने भारत से बाहर जाने पढ़ने वाले छात्रों के जर्दा गुटखा पान मसाला भारत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी। इसे छात्र कमेटी में हड़कंप मच गया और कई छात्रों की हालत तो इस तरह खराब हुई कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तक बिगड़ गया और इस तरह होने लगी जर्दा गुटखा पान मसाले की स्मगलिंग। इसमें कई लोग उभरे, लेकिन बाहुबली सिर्फ एक ही था, तूफान खान। तूफान उसका बाप ऑफ कमी और मां राशि, उसके पठानों के खून में बेशुमारता और रशियनों की खूबसूरती थी। उसका दाया था राजा, जिसके दिमाग से ही वो इस धंधे में उतरा। आगे सीधा सच्चा आदमी, मेरा तो फलों का कारोबार है, आजकल खुदा मेहरबान तो कुछ और भी बेच देता हूँ। देखो तूफान भाई, आप तो बस खुदा से दुआ करो कि हमारे धंधे को किसी की नज़र ना लगे। हाँ भी देखो तूफान भाई, हमारे माल रखने की जगह कितनी अच्छी है, किसी को पता भी नहीं चलता और काम का काम हो जाता है। अच्छा है भाई, अच्छा है। ये देखो आप, देखो माल मिल नहीं रहा, तलब लग रही है, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में कुछ नहीं आ रहा, बड़ा परेशान हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे, कुछ नहीं मिल रहा, माल भी नहीं मिल रहा, माल की शॉर्टेज आ रही है, लगता है कि शायद कुछ हेल्प मिले मुझे। करना पड़ेगा इसका इलाज, इसका इलाज करेंगे। भाई एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ?
यार अपने दोस्त ना वो ज़्यादा ही नशेड़ी हो गया यार। कोई तूफान खान है वही सप्लाई कर रहा है माल शहर में। तूफान वो अफगानी? हाँ वही तूफान। वो कब से बड़ा हो गया? पता नहीं यार, पर मैंने सुना है वही शहर में माल सप्लाई कर रहा है। तो पता लगाओ कि कौन है उसको जो माल सप्लाई करता है। करते हैं ट्राई, कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम। और जनाब कैसे हो? अच्छा हूँ सर। आप माल सर आजकल माल की सप्लाई कम कैसे चल रही है? क्या बताएं राजा भाई, आजकल चेकिंग ज़्यादा हो रही है। बड़ा माल की टेंशन, मतलब थोड़ा बहुत दिन में माल पहुँच जाएगा। और बस आप तो पेमेंट तैयार रखना। और मेरी वो समझ रहे हैं सर, आपकी सॉरी सारा कर रहे हैं। ठीक है राजा भाई, चलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे हम तो बताते कौन है तू, चुप जाते क्या हो? किसके लिए काम? काम किसके लिए करता है? किसके लिए काम? मैं अकेले मेरे खुद के लिए काम करता हूँ। काम किसके लिए बताए? कौन सा काम? किसके लिए? बताओ बताओ, मानना नहीं। बताओ बताओ, किसके लिए काम? तूफान भाई के लिए। तूफान कहाँ मिलेगा? वो रीनेक में मिलेंगे। रीनेक तूफान के लिए काम? तूफान के लिए करता हूँ। रीनेक तो वही जगह ना जहाँ सस्ते के नाम पे घटिया चीजें मिलती हैं। हाँ हाँ वही है। छोड़ो विनोद, संभाल चल अपना है ना, मुंह बंद रखना। सुन लियो, मुंह बंद रखना तेरा। मुंह क्या है? मुंह बंद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तेने किसी को कुछ बोला है। हाँ ठीक है, छोड़ा छोड़ पे, वरना इसी मुंह में हाथ देके तेरी आते निकाल लूंगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक Thank you.
हमारे भाई को क्यों मारा? उसके लिए तो मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ देता। अब तुम दोनों को भी मरना होगा। देख तूफान, वो सिर्फ तेरा बिजनेस पार्टनर था, और बिजनेस पार्टनर तो कितने भी आएंगे और कितने जाएंगे। नहीं देख तूफान, अब हम सबके लिए ही अच्छा है कि हम साथ हो जाएं। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सोच मत तूफान, हम साथ हो जाते हैं, हम साथ मिलकर इस शहर में माल सप्लाई करेंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं आपके साथ एक हो जाऊं? हाँ यही, अगर तू हमारे साथ आएगा तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। सोचता हूँ। सोच मत तूफान, सोच मत। गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। इसी खुशी के चक्कर में देखो मैंने गंजी करा लिए। गजब नाइस, अच्छे लग रहे हो। अब मेरा अच्छा लग रहा है, क्या करना है अब? आप टेंशन मत लो, अब शहर में माल अपन सप्लाई करेंगे तो माल की कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए सर आपके लिए बहुत भाईजान, आपके लिए थैंक्स माल सप्लाई करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। और आपके लिए कुछ पास दो सर, बहुत ज़्यादा इसी खुशी में मैंने गंजी कराई है। देखो सर गंजी कराई है मैंने, थैंक्स सर दो। ओ थैंक्स।